subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. जो चाहिए वो नहीं मिलता और जो नहीं चाहिए जिंदगी वही पेश करती है। मैं आर्यन पंडित मोहित रैना का बेटा इस वक्त कश्मीर में हूं। कभी नहीं चाहा कि मैं कश्मीर आऊं। 10 साल का था जब मां गुजर गई, तब से लेके आज तक बस यही सवाल है कि मैं चाहता क्या हूं। आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तक कई नौकरियां छोड़ चुके हो। If I say something, तो सौतेली माँ कहलाऊंगी। But the truth is, मोहित की प्रैक्टिकली हर रात को ये पीकर घर लौटता है। नौकरी में दिल कैसे लगेगा? बाप की इज्जत की रत्ती भर भी परवाह नहीं। ये जनाब 4 दिन घर से बाहर रहेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। So, cheers to freedom. यार तू पिछले 1 साल में 4 बार नौकरी छोड़ चुका है, क्यों कर रहा है ये सब? नहीं होता बॉस, I can't work under these idiots, यार। And they are all idiots. सब के सब। हाँ बेटा, शादी नहीं हुई ना तुम्हारी? विक्रम मेरा दोस्त फैशन फोटोग्राफर है, नेक्स्ट मॉडल रागिनी के साथ उसने शादी की थी। नहीं की होती तो बेहतर होता। पिछले महीने का तुम्हारा 4.5 लाख रुपए का बिल है क्रेडिट कार्ड का। पैसों की कोई कीमत है या नहीं? कीमत तो मैं भर रही हूँ तुम जैसे लूजर से शादी करके। तो छोड़ दो ना मुझे, जस्ट लीव मी एंड गो। आई वुड लव टू, बस ये फ्लैट मेरे नाम कर दो एंड आई वुड लविंगली साइन द डिवोर्स पेपर्स। मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर कितने अरमानों के साथ इस फ्लैट को खरीदा है ताकि इसमें घर बसा सकूं, एक फैमिली बना सकूं। लेकिन इनाफ, अगर तुम ये फ्लैट मेरे नाम नहीं कर सकते ना विक्रम, देन स्टे हियर, डील विद मी एंड कीप पेइंग माय बिल्स। डू यू गेट मी? वैसे आज पार्टी में सुना दैट माय डार्लिंग हस्बैंड हैज लॉस्ट द मॉरिशस कॉन्ट्रैक्ट। विक्रम, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तुम्हारे ही क्लाइंट को फोन करके तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलवा सकती है। Would you like that, darling? Just shut up, Rakini. Your wish. Good night, darling. And dream about me, loser. Vikram was absolutely frustrated. और फ्रस्ट्रेशन में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। काम दिला यार, काम दिला मुझे। I badly need work. विक्रम तेरे को मालूम है मार्केट बहुत ठंडा चल रहा है यार। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, कुछ तो होगा कहीं, कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, कुछ तो दिला यार। एक असाइनमेंट है,
J&K बैंक का एनुअल कैलेंडर शूट है। मरना है क्या? कश्मीर जाके शूट करना है? तुझे पता है वहां ऑलरेडी कितनी शूटिंग और फायरिंग हो रही है? हाँ साला, वैसे यहां भी कौन सा जी रहा हूं, तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। ऑल आई नीड राइट नाउ इज मनी, और इस काम के लिए मुझे बहुत पैसे देने यार। एग्जैक्टली विक्रम, इस बात को समझना, कितने पैसे इस काम के लिए क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इट्स ब्लडी डेंजरस, कोई जाना नहीं चाहता यार वहां पे। इट्स जस्ट नॉट द प्लेस मैन, फॉरगेट अबाउट कश्मीर। तू भी चलना यार। विक्रम की हालत देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाया, मगर जब मेरे फादर को पता चला, कश्मीर जाएगा, सुना तुमने, कश्मीर जाएगा, कश्मीर जाने की बात कर रहा है ये, जहां से हमारी जमीन, हमारा घर हमसे छीन कर हमें दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया गया, वहां जाएगा ये। मैंने कुछ नहीं रखा है वहां, कोई नहीं है हमारा कश्मीर में। ना गया मैं उसके साथ कश्मीर, बचपन की दोस्ती का इतना तो हक बनता है। चलो, दिस टू शैल पास एंड होपफुली सून। जम्मू एंड कश्मीर बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1938, 75 साल से भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। हर साल हमें कैलेंडर शूट करते हैं, और ये कैलेंडर J&K स्टेट का एम्बेसडर है। गंडोला, ट्यूलिप गार्डन्स, बिताब वैली, अब तक तो हमने अपने कैलेंडर्स में यही सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अब हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कश्मीर की रूह दिखाना चाहते हैं, द सोल ऑफ कश्मीर। हमारा कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसके चप्पे चप्पे में खूबसूरती छुपी हुई है। विक्रम, मैं चाहूंगा कि आप इसकी अनछुई खूबसूरती को कैप्चर करें। आपको इसके लिए ट्रैवल करना होगा एक्सटेंसिवली, पूरा कश्मीर चप्पा चप्पा। इमरान सर, ये इमरान साहब हैं। हेलो। हेलो। हमारी कंपनी के PR। ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है इन्हें। वाओ। काम कम करते हैं और ट्रैवल ज्यादा। ना इमरान? नो सर, आई मीन यस सर। विक्रम, वी बैंकिंग अपॉन यू। थैंक्स यार, तू आ गया। ना, कैसे नहीं आता? आता है। दुनिया के कोने कोने से आते हैं हमारे इस नगीन क्लब के हाउस बोट में। मालूम है क्यों आते हैं? क्योंकि नबीर चाचा का हाउस बोट डल लेक का नंबर 1 हाउस बोट है। देखा, यहाँ के बच्चे बच्चे को मालूम है। वैसे अगर आपको अखरोट, बादाम, किशमिश, चुलगोजी, जो कुछ भी चाहिए तो हमको बताइएगा, हमारा छोटा भाई अपनी पूरी दुकान लेकर इधर। नबीर चाचा, ये लोग टूरिस्ट नहीं है। बोझू नबीर चाचा, बोझू, ये टूरिस्ट नहीं है नबीर चाचा, हमारे बैंक के काम से आए हैं, इन्हें आराम करने दीजिए। आधे घंटे से भगा रहा है ये बोझू मुझको। नबीर चाचा, खुदा के वास्ते इनको छोड़ दीजिए, ये बोझू भी कुछ कम नहीं है। इनका सामान लेके अंदर जाइए और खाने पीने का इंतजाम कीजिए। खाने का इंतजाम, ये सामान। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को बाजवान खिलाओ। बम्बई से आया मेरा दोस्त। बहुत इरिटेटिंग है नबीर चाचा, बहुत बातें करता है। रिलैक्स, यू आर विद इमरान। अरे हद कर दिया यार तूने, तू फंस रहा था, तूने मुझको क्यों फंसा लिया? ये तो वही बात होगी ना कि हम तो डूबेंगे जनाब, तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। या इट्स नॉट माय फॉल्ट यार, मैंने सोचा 2-4 दिन रैंडम शूटिंग करूंगा, मुंबई जाऊंगा, फोटोशॉप करूंगा, चकाचक करके चिपका दूंगा उनको उनका कैलेंडर। दिस सैंडी यार, उसकी वजह से फंस गया ना। सैंडी क्या यार, सैंडी ने कैसे फंसा दिया? बोल उसको कि तू जॉब नहीं कर रहा है, कल वापस जा रहा है। क्या सैंडी यार, बेकार की बात है यार, इतना इजी नहीं है। 50% एडवांस ले चुका हूं, और सबसे बड़ी बात है यूज कर चुका हूं। वेरी गुड यार, ब्लडी गुड, बहुत अच्छा किया। मुझे एक बात बता, ये जो कश्मीर की अनछुई खूबसूरती है, ये जो कश्मीर की रूह है, ये तो कहां से लाएगा? मैं कश्मीर की रूह का मुझे पता नहीं, हमारी रूह भटक रही होगी यहां वादियों में। कर फिरदौस बर रूह ज़मीं अस्त,
हमियास। या क्या मतलब? हाँ जनाब, अगर जन्नत इस दुनिया में कहीं है तो यही है, यही है, यही है। हाँ। जी शालीमार गार्डन सा? जी जनाब, शालीमार गार्डन। हिस्टोरिकल लगता है। हाँ, मुगल ने बनाया है। तो किसने? मुगल ने। किसने? मुगल ने। बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक सारे मुगल थे जनाब। तो किसने बनाया है? जहांगीर। इन द ईयर 1619 मुगल एम्परर जहांगीर मेड दिस ब्यूटीफुल शालीमार गार्डन टू प्लीज हिज बिलव्ड वाइफ नूरजहां। द टर्म शालीमार कम्स फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज व्हिच मींस अ बोर्ड ऑफ लव। इट वाज ओरिजिनली नेम्ड फराबख्श। In 1630, Jahangir's son Emperor Shahjahan got it extended and named it Fezbakhsh, the Bountiful. Shalimar Garden is an outstanding example of Mughals' knowledge in the field of horticulture. Guys, मैं आप लोगों को अपने फ्रेम से बाहर जाने के लिए कह रही थी। I'll have to do this all over again now. Sorry, ma'am. मुझे लगा कि आप मुझे wave कर रही हैं, so मैं। You know, I'm really sorry. लेकिन आप यहाँ की लगती नहीं है। But you seem to know quite a bit about this place. Yeah. Well, A, I'm from UK. And B, सिर्फ शालीमार के बारे में नहीं, मुझे पूरे कश्मीर के बारे में काफी जानकारी है। As I'm doing PhD in the history of Kashmir. आह, तभी तो जनाब, मैं आप लोगों को ये बताना ही वाला था। हाँ, लेकिन जितनी खूबसूरती से आपने बयान किया है यहाँ की खूबसूरती, शायद मैं भी नहीं कर पाता। इमरान फ्रॉम जे एंड के बैंक। शीना ओब्रॉय। वाओ। विक्रम रॉय। Hi. Photographer from Mumbai. Aryan Rana. Hi. Lovely. Introduction ho chuka hai janab. To isi baat pe kahwa ho jaye? I would love to have a kahwa, lekin meri ek bahut important meeting hai historian Sarfaraz saab ke saath. So, I'll have to rush. One second. Janab, aap logon ko bhi usse milna chahiye. Kyun? Bhai Sarfaraz saab bahut bade historian hain. Jis kaam ke liye aaye hain na, shayad kuch fayda ho jaye. Inspiration mil jaye aapko. Hmm. All right. Great. Ma'am, can we come along? Do you guys have a car? Avanti Pura Ruin Sheena ji. Bade purane hai ye. Aapne to suna hoga. I know. I've seen it on the net, but this is amazing. Sarfaraz sahab nazar nahi aa rahe? Haan, bulaya to yahi tha. Hmm? I think वहाँ होंगे। Let's go check there. चलिए, आइए जनाब। देख ये वाला जो है ना, ये composition, हाँ इसको थोड़ा सा blow up करेंगे ना, तो अच्छा लगेगा। इमरान, हाँ? इन दोनों के बीच कुछ है क्या? गहरी दोस्ती लगती है। कुछ ज़्यादा ही गहरी है। How do we care? Natural lighter. हाँ, थोड़ा ऑफ है। Guys, all okay? Super. तो कहाँ है तुम्हारे सिराजुद दौला? Sarfaraz साहब। Oh, there he is. Sarfaraz साहब, आइए जनाब। जनाब। Sarfaraz साहब। Yeah. Hi. Hi. I'm Sheena from London. Oh, you're Sheena from London. हम तो ये सोचे थे कि शीना हमसे मिलेगी तो वो अधेड़ उम्र की कोई खातून होगी, मुंह पे मोटा सा चश्मा होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला है। You are so young and very pretty. Thank you. Please come. What a please come. आइए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम जैसी यंग और प्रिटी लड़की को कश्मीर की तारीख में दिलचस्पी है। Good. Well, sir, I was born in Kashmir. मेरे मम्मी डैडी डॉक्टर्स हैं। और उन दिनों एक एनजीओ के थ्रू यहाँ कश्मीर में आए थे सर्व करने के लिए। And after that, we went back to London. Oh, I see. देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे चाय या कहवा ऑफर तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मेरे पास जो खजाना है, वो मैं जरूर ऑफर कर सकता हूँ। राज तरंगिनी। रिवर ऑफ किंग्स। शीना, राज तरंगिनी में राजे महाराजाओं के बड़े किस्से हैं। लेकिन कलहन ने इस तारीख के जरिए सदियों पुरानी तहजीब और विरासत को इसमें कलम बंद किया है। So, can I start from today?
इतनी उतावली क्यों हो रही हो? घूमो, कश्मीर को अच्छी तरह से देखो, उसे समझने की कोशिश करो। जब हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो उससे मिल लेना। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने सरफराज को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। He puts everything so beautifully. राजे महाराजाओं के बड़े किस्से हैं। लेकिन सदियों पुरानी तहजीब। You recorded? हाँ, मुझे सरफराज साहब का गेटअप बड़ा एक्साइटिंग लगा तो कर लिया। Oh my God, you're amazing. That's great. Please, please, please forward it to me. हाँ, कर दूँगा यार। इसमें इतनी एक्साइटेड होने की क्या बात है? Well, मुझे ये वीडियो अपलोड करना है। That's why. You know, मैं अपने वीडियोस हर रोज अपलोड करती हूँ। You guys not on social media? We're not that social, you know. हम आपस में काफी खुश रहते हैं। Well, anyway. सोशल नेटवर्क में शीना ओबेरॉय इज अ स्टार। मिलियंस मुझे फॉलो करते हैं। हाय, कॉफी? हाँ भाई, लाओ लाओ, इसकी सख्त जरूरत थी इस वक्त। ओह, यू आर सच अ स्वीटहार्ट। थैंक यू। आर्यन साहब। थैंक यू इमरान साहब। थैंक यू। एंजॉय योर कॉफी। और कॉफी पीने के बाद हम चलेंगे श्रीनगर का परी महल देखने। लेकिन अगर ये विक्रम यहीं घूमता रहा तो ये चप्पा चप्पा कश्मीर का कब देखेगा? Where are you guys heading? Where are we heading? भाई ऐसा है शीना जी, कि हमारे विक्रम को कश्मीर की रूह तलाश करनी है। कश्मीर की रूह? हाँ, वो जेन के बैंक का कैलेंडर शूट करने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजेस कैप्चर करनी है। अकॉर्डिंग टू द ब्रीफ, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ स्टफ। और इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ेगा, क्यों? बिल्कुल सही जनाब। जनाब। Oh, brilliant. In that case, this solves my purpose as well. कैसे? सरफराज साहब ने कहा था ना दैट मुझे कश्मीर को और जानना है, और पहचानना है, और समझना है। एंड यू गाइस आर गॉड सेंट। बट शीना, हम लोग तो वैसे भी आई प्रॉमिस आई एम नॉट गोना बॉदर एनीबॉडी। मैं अपना खर्चा खुद हैंडल करूंगी एंड आई एम गोना गिव यू गाइस योर स्पेस। आई एम नॉट गोना बॉदर, आई प्रॉमिस। या डील? बड़ी चीप टाइप की औरत है यार। जनाब। लम्हा जाने क्या है, जाने क्या है, सहमा पूछ रहा है, पूछ रहा है, लम्हा लम्हा जाने क्या है, जाने क्या है, सहमा पूछ रहा है, खोई खोई अपनी मन, अपनी मन इमरान, इमरान, इमरान। ओह यस 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 शीना जी। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? ओह यस, आई एम फाइटिंग फिट। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी गाड़ी की तबीयत ठीक है? गाड़ी तो एकदम परफेक्ट। हाँ, थोड़ा क्लच घिस गया, अब आगे ब्रेक कम लग रहा है, और वो स्टार्टर तो दैट्स ओके, दैट्स ओके, वो सब ठीक है। ठीक है ना? या परफेक्ट। विक्रम और आर्यन कहाँ हैं? What is so funny? नहीं, मतलब लेक के किनारे चिनार के नीचे शाम रंगीन कर रहे हैं। उनको इश्क से अपने रूम में घर कर तो चुके हैं, क्या करें अब जब हम और तुम मोहब्बत कर तो चुके हैं। अरे यार, तूने कहीं मुझे देखकर ही तो नहीं बनाया ना? चल बोलना। Oh my God, really unbelievable! कसम खुदा की, आप सच कर रही हैं शीना जी? Yes, मतलब वो दोनों? हाँ, विक्रम और आर्यन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। Oh God, unbelievable! You know, पहले मुझे सिर्फ डाउट था, but कल रात को कंफर्म हो गया कि वो दोनों इमरान, they are in love. Unbelievable! Now listen, Imran, we just have to find out. विक्रम और आर्यन में से किंग कौन है और क्वीन कौन है? हम बताते हैं। बताओ।
तुमने अभी तक हमें वो समझ कहते हैं सुन ये हसीन पल मंजिल हमें बुलाती है इरादे जवां कम नहीं हो यहाँ हमें जिंदगी ये सिखाती है मंजर बड़ा खुशनुमा कर रहा है गाड़ी गंदी कर दी तूने माफ कर दो जनाब चल माफ कर दिया जा गाड़ी बड़ी शानदार है आपकी है हाँ हाँ मेरी है मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट की है ओ क्या सोच रहा है छोटू यही सोच रहा है ना कि काश तेरा कोई बड़ा भाई होता और तुझे ऐसी गाड़ी गिफ्ट करता हाँ ना हा? मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरा कोई छोटा भाई हो तो मैं उससे ऐसी गाड़ी गिफ्ट करूं क्या बच्चा है अरे क्या जवाब दिया यार छोटू रुक जा यार फोटो खींचता हूं तेरी ऐसे कब तक चलते रहेंगे कहां जाना है एक बार पूछ तो ले तू सो रहा है अरे बिल्कुल सो रहा है यार बेखबर सो रहा है अबे जगाने की कोशिश तो कर कम से कम अबे तो जगाता हूं ना एक मिनट रुक ये देख जनाब गाड़ी क्यों रोक दी आपने चलती गाड़ी में बड़े मजे की नींद आती है देखिए हमको भी नींद आ रही है बहुत माफी चाहते हैं कि आपकी भी नींद हमने खराब कर दी भूख लग रही है हमको कोई होटल मोटेल गेस्ट हाउस तकिया चिकन कुछ आएगा यहाँ पे जनाब ये अरे कहाँ से आएगा गेस्ट हाउस गलत रास्ते पे गाड़ी ले ली है आपने नहीं रास्ता बिल्कुल सही है सरासर गलत है वो देखिए अरे क्या सही गलत लगा रखा यार रास्ता गलत है इमरान व्हाट्स गोइंग ऑन वेयर आर वी We are in India. Shit, close to Pakistan. Bad chahiye. Light band kijiye. Shit, kya ho raha hai? Ho kya raha yaar? Pakistan ke paas se kya matlab? Shit, matlab chhodiye wo dekhiye. This ray of hope. Shayad koi basti hogi. Aaiye. Are to itne andhere mein aapko dikh raha hai ki koi basti hai ki terror camp? Aisa kuch nahi hai, kuch nahi hai. Aaiye mere saath, pata nahi khane se. Aaiye na. Dabe pair aaiyega. Kya hamari roop bhatke gayi hai? Chup kar yaar. Are aise baat kijiye. Ab ye kya kah rahe hain? और ढूंढ ले कश्मीर की रूह आप रूह के पीछे लगे बिलाल बिलाल जी इमरान मैं यही जेएन के बैंक में काम करता हूँ और ये मेरे दोस्त हैं ये लंदन से आई है और ये दोनों मुंबई से आए हैं आंटी जी दरअसल हम रास्ता भटक गए हमें एक्चुअली पांद्रास के रास्ते पर जाना है लेकिन शायद हम अरे वो रास्ता तो बेटा तुम लोग 25 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हो है ना अरे मैं कह रहा था कि हम वो गलत अरे मुंह खोल के सो रहे थे आप जनाब मैं ऐसे कह रहा था सॉरी चलिए वापस चलते हैं रुको रुको बेटा रातों को पहाड़ों में नहीं जाते हैं और तुम लोग तो परदेसी हो आज की रात मेरे घर ही रुक जाओ चलो ठीक है आप आस पास कोई होटल या गेस्ट हाउस हो तो वही तो कह रही हूँ मेरी ही गेस्ट बन जाओ ना जी आ जाओ बेटा अरे यार ये फायरिंग जो हो रही है अम्मा ये हम कहाँ गेस्ट बन जाएंगे यार घबराओ मत हमारे ही सैनिक है कभी कभी हमारी हिफाजत के लिए होता ही ये सब बेहतरीन खाना था जनाब लाजवाब आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा खा लिया
तो ये नून चाय पी लो, इससे खाना हजम भी हो जाएगा और सुकून की नींद भी आती है। और अब तुम मुझे बताओ कि इनमें से तेरा खाविंद कौन है? All are my best खाविंद। शीना जी, खाविंद मतलब हस्बैंड। नो नो आंटी, मुझे लगा आप पूछ रहे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। नो खाविंद। अच्छा फिर तू चलकर मेरे साथ सोएगी अंदर। और सुनो बच्चों, ये कमरा भी हमारा है, इसमें बिस्तर तक क्या सब मिल जाएगा, जहाँ जी चाहे सो जाना, अपने घर समझो। हाँ चल उठ, कमाल की लड़की है, इतने लड़कों के साथ अकेली घूम रही है। वो आंटी मैं घूम नहीं रही थी, मैं कश्मीर हाँ, चल, चल। कर रही हूँ। वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें हमारे एड सर्कल्स में क्या बुलाया जाता है? A very below average photographer. And that is exactly who you are. So, तुम भी जाग रहे हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही है। What you doing? Hey. What am I doing? तुम नहीं बिकते हो। जिन आधी नंगी लड़कियों की तुम फोटो खींचते हो ना, actually वो बिकती है। You are nothing but a glorified. हाँ तुम्हें सरफराज साहब का फुटेज चाहिए था ना? ये लो, कॉपी कर लेना। नमस्ते। हाँ रहीमा जी। हाँ रहीमा हूँ, लेकिन तुम कौन? पहले आप आशीर्वाद तो दीजिए। अच्छा भाई आशीर्वाद दे दी, दूधो नाव पूतो फलो। अब बताओ कौन हो? जी मैं गिरधारी लाल का बेटा हूँ। गिरधारी लाल? वो 4 साल पहले अमरनाथ यात्रा पे आए थे और अचानक मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तब आपने माँ की बहुत सेवा की थी रहीमा जी। अरे कैसे नहीं करते, वो यात्रा पर आए थे और तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से लौट कर जा रहे थे। अब ये कोई बात हुई तो मैंने कहा अपनी बीवी को मेरे पास छोड़ जाओ और तुम यात्रा करके आ जाओ। अब बताओ इतनी दूर से आकर बिना दर्शन किए लौट जाते तो क्या हमें अच्छा लगता? इसीलिए माँ जी ने कहा कि वहाँ जा रहे हो तो उनका आशीर्वाद लेकर लौटना, और ये आपके लिए भेजा है। अरे इसकी प्लीज रख देती माँ को अच्छा लगे। शुक्रिया। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बाहर टैक्सी खड़ी है ना, तो हम जरा जल्दी में। अच्छा लेकिन फिर लौटते वक्त जरूर आना। जी जरूर आएंगे। बस 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 जीते रहो जीते रहो, खुश रहो। कितनी प्यारी है ना। बिल्कुल माँ जैसी। अरे बेटा तू उठ गया? मैं तो सुबह ही जाग गया था। और तुम्हारे दोस्त? वो सो रहे हैं अभी। अच्छा मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। हाँ मैं भी चलूँ आपके साथ? चलेगा साथ? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, लेकिन सामान उठाना पड़ेगा। हाँ उठा लूंगा मैं, थैला लेकर आती जी। मैंने ना अपने अब्बू से सुना था, एक बकरवाल था बटाकोट का, उसका नाम था बुट्टा मलिक। उसके भेड़े खो गई तो बेचारा परेशान ढूंढता हुआ पहाड़ों में चला गया, फिर गुफा में घुस गया। सबसे पहले दर्शन बाबा ने उस बकरवाल को दी थी, तब से इस यात्रा की प्रथा चली आ रही है। वो बेटा वो पहाड़ देख रहे हो? जी। ठीक उसके पीछे यात्रा का बहुत बड़ा बेस कैंप लगता है। अमरनाथ की यात्रा के लिए रास्ता हमारे गाँव से भी होता हुआ जाता है और चंदनवाड़ी से भी होता हुआ जाता है, लेकिन हमारे गाँव के रास्ते पर बड़े अच्छे अच्छे पढ़ावाते हैं। अरे बिलाल और उसके दोस्त महीनों पहले यात्रा की तैयारी शुरू कर देते हैं, यात्रियों के दर्शन हो जाते हैं और हमारे गांव में कुछ पैसे भी आ जाते हैं। हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है ना यात्रियों के साथ। क्या बात है बेटा, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा। अरे वाह बैंक भी आ गया, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। चल चलिए, इस गाड़ी से बड़ी सहूलत है। सलाम रहीमा भी। वालेकुम सलाम। ये लो कार्ड नंबर 0786 2000 रुपए चेक। जी हुँ.
भाई आपका कार्ड रसीद और ये 2000 रुपए। शुक्रिया भाई। इस तरह अपना कोट किसी को बताया मत करिए, कोई फायदा उठा लेगा। अच्छा अच्छा चलो नहीं बताऊंगी। शुक्रिया बेटा। सदका जो है ना वो हर बला को टाल देता है, हमेशा देना चाहिए। जी सुनो बशीर जी, आना जरा ये सदका दे देना। हाँ जी। रुको, 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 रुको। मेरी गाड़ी चली गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आप दूसरी गाड़ी से चली जाइए, ले लीजिए। शाम तक कोई गाड़ी नहीं है और अब्बू जी बहुत परेशान होंगे। बेटा क्या हुआ? ना ना बेटा नहीं रोते। कैसे पहाड़ी लड़की होकर रोती है, हिम्मत नहीं है? अरे रुक 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 भाई, कमाल है यार। ना बेटा आपकी गाड़ी बैग से। जी जी थैंक यू। आइए जी। थैंक यू। शाबाश बेटा, बहुत नेक काम किया। किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना बड़े सवाब का काम। अब चल। चलिए चल। अरे वाह, तू तो पूरा कश्मीरी निकला। बिलाल भी अपनी चाय में खूब मलाई डाल डालकर पीता है। और लो ना मलाई। जी मैं लेता हूं। बिलाल कौन है? मेरा बेटा। तो बुलाइए ना, आई वुड लव टू मीट हिम। आई एम श्योर वो आप ही की तरह क्यूट होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। तू कब से मलाई खाने लग गया? अरे यार बचपन में खाता था, मम्मी देती थी। अब इतने अरसे बाद खा रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही। ये है मेरा बिलाल, है ना बिल्कुल मेरे जैसा। सुबह सुबह कहकर गया था श्रीनगर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, शाम का खाना बनाकर रखना, हम लौटकर यहीं खाना खाएंगे। 15 साल हो गए मैं रोज शाम को खाना बनाकर उसका इंतजार करती हूँ कि न जाने कौन से दिन वो लौटकर आए और कहे माँ खाना दो भूख लगी। अरे क्या हुआ बेटा, तू तो मेरा बहादुर बेटा है, मायूस नहीं होते जी। आएगा बिलाल जरूर आएगा, मैं रोज सदका देती हूँ ना और मुझे उस पर पूरा यकीन है जी। अरे हाँ तुम सबको तो निकलना है ना, मैं रास्ते के लिए कुछ खाना बांध देती हूँ। जी। I just hope इनका बेटा वापस आ जाए। नहीं आएगा शीना जी, इनका बिलाल नहीं आएगा। हर साल प्रताप पार्क में रहीमा भी जैसी हजारों औरतें, ऐसे हजारों लोग अपने मिसिंग फैमिली मेंबर्स की फोटो लेके वहां जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कोई लौट के नहीं आता है। मतलब जनाब मेरे अब्बा जान भी जाते हैं मेरे छोटे भाई की तस्वीर लेकर। ये लो बेटा रास्ते के लिए। अम्मा जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर कर सकते हैं। तस्वीर तो तुम सबने देख ली है, मेरा बिलाल कहीं दिख जाए तो उसे कहना तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आंटी क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? क्या फोटो?
हाँ ले लो, आ जा। पूछ रहा है कि यहां से कुछ पराठे आए थे, आप लोगों को भूख लगी है तो मैं ले आऊं। नहीं यार, अभी दिल नहीं चाह रहा। शीना जी आप ठीक है? आर्यन, 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 अरे कहाँ जा रहे हो यार? नेचर्स कॉल। एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू गोइंग? नेचर्स कॉल। Where's Aryan? अब कब अपनी सोच अपने ख्यालात बदलेंगे? आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? हाँ? डूब मरने वाली बात है ये हम सब के लिए। श्रीनगर में, अनंतनाग में, जम्मू में लड़कियां पढ़ लिख के डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं। और यहाँ हमारे गांव में पांचवी जमात के आगे लड़कियां पढ़ी नहीं पाती हैं। अरे पढ़ाते पंडित, लेकिन कैसे पढ़ाएं बेटियों को? गर्ल्स स्कूल तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। यही बात तो मैं इतने सालों से बोल बोल के थक गया हूँ गुलाम। हमें यहाँ अपने गांव में लड़कियों के लिए एक आला स्कूल बनाना चाहिए। और ये काम मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना, इस काम में मुझे आप सबकी जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहिए। पंडित जी आपको तो हमारी माली हालत का पता है ही। अच्छी तरह वाकिफ हूँ जनाब, बेटी के ब्याह के लिए आप खुद को गिरवी रख देंगे नहीं, लेकिन उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे आप। अरे समझते क्यों नहीं है बात को? बेटी बेटी अगर पढ़ लिख जाएगी तो आने वाली नस्लें भी पढ़ी लिखी होंगी कि नहीं। कौन है आप? कौन है आप? जी मैं असल में यही अपने दोस्तों के साथ वो मैं यहाँ पे क्या मैं लगा रखा है? आप बताइए कौन है और किससे मिलना है आपको? अबू जी ये वही है जिन्होंने हमारी गाड़ी पकड़ने में मदद की थी। ये? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? जी आर्यन, आर्यन रैना।
रहे ना? जी। कहाँ के हो? जी, मैं बहुत छोटा था जब चला गया था यहाँ से। मुझे लगता है कि शायद मैं इसी गांव का हूँ। तुम्हारे पिता का क्या नाम क्या है? मोहित रैना। तुम्हें मोहित ने भेजा है? जी नहीं, वो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसी गांव से हूं। आप लोग मेरे फादर को जानते थे? हाँ, हम जानते हैं, यही का तो था। बहुत होनहार था, बड़े बड़े सपने थे उसके, चला गया। सपने पूरे करने, यही का तो था। दादाजी, आप मेरे दादा हैं? जनाब, ये लीजिए। आज फिर से तेरे घर में रौनक आ गई। वैसे दादाजी, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अरे, ये तो आने को तैयार नहीं था। अरे, ऊपर से मुझे डिस्करेज कर रहा था आने से। अरे, तो जनाब, क्रेडिट यहाँ आना चाहिए, मैं लेकर आया हूँ इन सबको। अरे, आप मुंह खोले सो रहे थे, गाड़ी मैं चला के लाया हूँ दादाजी। हाँ जनाब, तो ना मैं सोता, ना हम रास्ता भूल जाते, और ना हम सही रास्ते पे आते। ना तुम लोगों की मुलाकात होती, राइट? सुन पंडित, पूरे गांव की दावत मेरी तरफ से होगी। दावत मेरी तरफ से होगी, मेरा पोता है। अरे जा, पोता होगा तेरा, हमारे गांव का बेटा आया है, बेटा, इसलिए दावत मेरी ही तरफ से होगी। ठीक है। नहीं भाई, लगा ले। नहीं यार, दिल नहीं जा रहा। अबे रात भर उल्लू की तरह जगता रहेगा क्या? लगा ले, अच्छी नींद आएगी। नहीं जा। ये लीजिए, आप दोनों के लिए केसर मिल्क, आप दोनों को अच्छी नींद आएगी। लेना यार क्या? आप भी लीजिए। अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। चलो बेटा, दूध पियो, केसर मिल्क, मलाई मंगाऊं? पाया ओए, क्या कर रहा है पागल? शीना जी की 500 फोटो तो ले ली होंगी तूने। यार वैसे एक बात बताऊं, मतलब हमने, मैंने जो भी सोचा था यहाँ के लोगों के बारे में, यार लोग बड़े अच्छे हैं यार। वाओ, व्हाट एन इंट्रोडक्शन। तुम्हारी बुक्स गिर जाते हैं, आर्यन पहाड़ों को चीर कर गाड़ी को रिवर्स करके बुक्स तुम्हारे पास ले आता है। तुम लोग एक दूसरे से मिलते हो लेकिन नाम तक नहीं पूछते। वेल एंड हियर वी आर Having hot केसर milk together. भाई ऐसा तो सिर्फ किताबों में होता है। किताबें भी तो जिंदगी से लिखी जाती है ना शीना जी? Absolutely.
वैसे इन तीनों में से मेरा कविन कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही थी कि आप इन तीनों से मिली कैसे। अगर मैं कहूँ दीज थ्री आर गॉड सेंट, वुड यू बिलीव इट? यस, आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड। तो सबको समझ में आया? तो हम आगे बढ़े? नहीं, पहली, 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 पहली। अच्छा जो ठीक है ठीक है। पहली हाथ है ना पैर है, जात है ना पात है, रहता जिसके पास वो उसकी तो क्या बात है। बताओ क्या है? ईमान। कलहन ने कश्मीर को शारदा पीठ लिखा है। शारदा यानी इल्म, जिसे हम सरस्वती भी कहते हैं। तो सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के पंडित अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कश्मीर की तरफ रुख करके सात कदम चलते थे, तभी उनकी तालीम मुकम्मल मानी जाती थी। इस प्रथा को सतपदी कहा गया है। वाओ, फैसिनेटिंग। यस। अरे छुट्टी हो गई? ये हमारी पायल जो है ना, स्कूल की प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है और पियोन भी है। ना ना, भूख लगी होगी, खाना बनाना है, छुट्टी कर दी। अबू जी प्रार्थना करनी है, जल्दी आ जाइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। देखा, खाना भी। भूख तो मुझे भी लगी है, सो लेट्स गो। हाँ, तो आइए पहले प्रार्थना, आइए प्लीज। जी प्लीज जी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, जिंदगी हो शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। मेरे जो राह हो उस रह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस रह पे चलाना मुझको। वेल, आई सी तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। यस,
They're such angels. Do you have any kids? Nahin, I'm not that lucky. Well, if you don't mind me asking, tumhari shaadi ko kitne saal hue? What's so funny? Coincidentally, aaj hamari shaadi ki chauthi saalgirah hai. Really? Happy anniversary. Thank you. So, wife se baat hui? Haan, kiya tha usne phone. That's sweet. ये जानने के लिए कि मैंने उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भरा कि नहीं. Just leave it, यार. That's how my life is. इमरान कहाँ है? आओ इधर देखते. राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू कमबख्त मानेगा नहीं. क्या हो गया इमरान? सुबह नाश्ता नहीं किया? कच्चे अंडे खा रहे हो? जनाब मैं नहीं खा रहा हूँ, इस कमबख्त को खिला रहा हूँ. रेडिएटर लीक कर रहा है जनाब. ठहर जाओ. रेडिएटर लीक, अंडा, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है शीना जी, देखिए रेडिएटर जब गर्म होता है ना, उसके अंदर ये कच्चा अंडा डाल दो तो जाके जम जाता है और लीक करना बंद कर देता है. तो ये कनेक्शन है. नहीं मानेगा. वैसे आप लोगों ने अच्छा किया जो आर्यन जनाब को उनके दादा के पास छोड़ दिया. सही किया आपने. हाँ यार, बरसों बाद मिल रहे थे, उनके कुछ पर्सनल मोमेंट्स वगैरह. अरे नहीं, उस वास्ते नहीं जनाब. अगर वो यहाँ होते तो गाड़ी वही चलाते, वो गाड़ी चलाते मैं सोता रहता और ये कंपक फट जाता गर्म होकर रेडिएटर. जनाब उस वास्ते मैंने कुछ नहीं रखा है वहाँ. कोई नहीं है हमारा कश्मीर में. ये लीजिए नून चाय. थैंक यू. आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें मंदिर के लिए निकलना है. मैं सुबह से तैयार हूँ यार. वाह, आप शेव नहीं करते? अरे तू तो कह रहा था कि तू तैयार है बेटा. दादाजी मैं तैयार था, वो शेव कर लेता हूँ, मंदिर जाना है. मंदिर? शेव? नहीं. क्यों? चल बेटा. चलिए 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 चलिए. अच्छा गुलाम मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया. भगवान आपकी रक्षा करे, सुखी रखे. जीते रहो बेटा. जी शुक्रिया. नमस्ते. दादाजी इनका नाम गुलाम मोहम्मद है? हाँ. स्ट्रेंज. बेटा ये गुलाम मोहम्मद बरसों से यहाँ मंदिर में सेवा आरती करा रहे हैं. That's amazing. है ना? यही है कश्मीर का कल्चर. और ऐसी बहुत मिसालें हैं यहाँ मेरे कश्मीर में. वैसे दादाजी ये पायल है कौन? पायल छोटी सी, इतनी छोटी बच्ची थी, यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर मुझे मिली थी. मैंने सीने से लगा लिया, सोचा इसको सहारा दूंगा. और आज देखो ये छड़ी. देखा, नहीं चाहिए. ख्याल तो रखती है वैसे आपका बहुत. हाँ बहुत. दादाजी आप पापा के साथ नहीं गए. क्यों चला जाता मैं? ना कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर जाता है क्या? बेटा इस गांव में हमारे बाप दादा पले बड़े हैं, उनके शवों को यहाँ अग्नि दी गई है. वो जो नदी है ना गांव की, वहां पे उनकी अस्थियों को बहाया गया. इस गांव की मिट्टी की गोद में हमारी यादें वाबस्ता हैं. अरे तो मैं क्यों चला जाता इस गांव को छोड़कर, अपनी मां को छोड़कर? तो आपने पापा को क्यों जाने दिया? मोहित बेटा. क्या मोहित बेटा? मोहित बेटे के घर के दरवाजे में ये चिपका हुआ था, अब समझने को रह क्या गया है? देखिए बेटा, बेटा बात तो सुनो.
पापा इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। चलिए बैठिए गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगा। मौत अगर आनी होगी तो यहीं आएगी, समझे? बहू, बहू तुम उतरो गाड़ी से। नहीं, तुम नहीं उतरोगी गाड़ी से। मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता पापा। अरे आप अंधे हो गए क्या? पढ़िए इसको, इसमें लिखा है कि 24 घंटे के अंदर चले जाओ नहीं तो जिंदा जला देंगे। पढ़िए। ये कंसर्फ बना किसका है? हम पता करवाएंगे। आप पता लगवाएंगे? आपके घर में तो नहीं लगा ये पर्चा? अब्दुल, तेरे घर में लगा है? रऊफ, तेरे घर में लगा है क्या? हम पता लगवाएंगे। चलिए पापा, हम इन पे और इतबार नहीं कर सकते। चलिए। बहुत बड़ी बात कर दी तूने। ये सारे गांव के लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन पंडित के घर पर कोई आंच नहीं आने देंगे। झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है गुलाम चाचा। अंदर ही अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे कि कब हम यहाँ से जाएं और कब आप हमारी जमीन और हमारे घर पे कब्जा जमा दें। पापा, आपने जिनके लिए मुझ पे हाथ उठाया है ना, याद रखिएगा, ये लोग आपकी चिता को आग तो क्या, कफन भी नसीब नहीं होने देंगे। चल। आर्यन, पर्चे की वजह से मोहित अपने जिंदा बाप को मार के चला गया, वो पर्चा हमारी दीवार पे किसने चिपकाया था आज तक पता नहीं चला। क्या हुआ इमरान? इतना बड़ा धोखा? क्या कह रहे हो यार? लगता है कि ये अंडा हजम कर गई। क्या कह रहे हो यार इमरान? हाँ जनाब, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये अंडा हजम कर गई है। वो तो टेम्पररी इलाज था, है ना? तो अभी मैं कुछ करता हूँ, आप घबराइए मत, इसको ठीक तो मैं जरूर करूंगा। ओह गॉड, मतलब आज का पूरा दिन वेस्ट नहीं? आप लोगों का दिल बड़ा नाजुक है। अरे दिन वेस्ट नहीं होगा जनाब। वो देख रहे हैं पगडंडी, उसको फॉलो करते हुए ऊपर निकल जाइए, बड़ा खूबसूरत नजारा है। और जब तक मैं गाड़ी ठीक करके आता हूँ, मैं आ जाऊंगा जनाब, आ जाऊंगा मैं। आ जाना तुम टाइम से। अरे मैं आ जाऊंगा। कम यार, लेट्स गो। इतनी ब्यूटीफुल और रोमांटिक जगह पर तुम अपनी वाइफ को मिस नहीं करते? What? It's so beautiful. You know, तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है और तुम्हारी शादी को भी 4 साल हुए हैं। So, how come you guys didn't plan anything? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर की हिस्ट्री पर रिसर्च करने आई हो ना, तो करो ना। मेरी हिस्ट्री के पीछे क्यों पड़ी हो? Why can't you just mind your own business and leave me alone? For God's sake, please. I'm sorry, Sheena. मुझे तुमसे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। It's okay. No, really, I'm sorry. Extremely sorry. वो क्या है ना, तुम्हारे सवाल ने मेरे अंदर के दर्द को छू लिया। Listen, I'm really not interested in your history.
ना, अब तो सुनना पड़ेगा। सुन लो यार, मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। How dare you about my child? Don't you ever raise your hand on me again. कभी दोबारा तुमने अपना हाथ उठाया ना, I will get you arrested. But I would even think of something like this. Damn it! It is my body. बाप बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? एक बीवी तो तुमसे संभलती नहीं है, बच्चे को क्या संभालोगे? You bloody useless man! तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा पैदा करना एक जोक है? And just for your information, तुम्हारे desires complete करने के लिए ना, I'm not losing my figure. हो गया? क्या हो गया? दिल का बोझ हल्का हो गया? What? तुम ही नहीं तो कहा ना तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया। Matter is closed. So, I suggest right now, you should smile. Come on, smile. Okay, guys. So here I am in Kashmir, on top of this beautiful mountain, feeling on top of this world. And guess who I'm sitting with? With one of the great photographers from Mumbai. Vikram Roy. Sheena, this is highly embarrassing. Give me the phone. You just give me the phone. You got this. Honeymoon, come on! Excuse me? Are you here on a honeymoon? No, I'm here on a job. Good job. Well, actually, he is a photographer. And he's come here for his calendar shoot. Well, I can see that. Well, if you don't mind, can you click us? Not at all. I'd love to click you, but why don't we use that camera? खराब कर देगा यार। आप मुतमईन रहिए जनाब, ये गोरा आपका कैमरा कतई खराब नहीं करेगा। यू स्पीक उर्दू? तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है? हाँ? कमाल की बात, कमाल की बात। अभी अभी तुम हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे देखकर अंग्रेजी पर उतर आए। इफ यू डोंट माइंड, आप क्लिक फरमाएंगे? बेशक क्लिक फरमाएंगे। पहले मुझे उतरने तो दीजिए तख्ते ताऊस से। उतर गए। अब जरा पोज तो इनायत फरमाइए। मोहतरमा जरा मुस्कुराइए तो। माय गॉड, इज दैट इट? देख लीजिए, देख लीजिए। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। आपने तो बहुत अच्छी तस्वीर खींची। आपको अच्छी लगी? जी, शुक्रिया, शुक्रिया। पानी लीजिए ना। I love this. Wow. Yeah. आप लोग बैठिए आराम से। क्या पूछ रहे थे? हाँ भाई, वैसे आप करते हैं सर? वैसे सीख रहा हूँ मैं फोटोग्राफी। आप यहाँ रहते जनाब? नो नो, आई मीन कि आप एक्चुअली यहीं रहते हैं? एक्चुअली जनाब। ओके, well, if you don't mind, can I use Jokes? Thank you. वैसे आप हैं कहाँ से? वैसे हम IC हैं। IC? मतलब international citizen. Vikram, you will not believe this. He is a world-renowned photographer, Alan Alter.
इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू. प्लेजर इज एंटायरली माइन. लेकिन आप लोग तकलीफ में आ गए. है तकलीफ में तकलीफ सरासर. अच्छे हैं वो जो कि तकलीफ नहीं करते. लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई. इस बात पर एक एक बीर हो जाए. श्योर सर. मुतरमा, ये किताब जहाँ से मिली ना, वहाँ बीर भी पड़ी हुई है. Can you just bring it for us, please? Yes, sir. Sure. मैं मदद करूं तुम्हारी? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए. आपके दोस्त नहीं आए अभी तक? दोस्त आ जाएंगे. वो यहाँ के एक साहब हैं, उनके साथ इमरान भाई. तो आप फिर चले जाएंगे अपने दोस्तों के साथ? जाना तो पड़ेगा विक्रम के साथ. दादाजी कह रहे थे तुम शादी नहीं करना चाहती. क्यों? मैं भी चली गई तो अबू जी अकेले कैसे रहेंगे? आपको क्या लगता है, आपके दादाजी बहुत खुश हैं? नहीं आ रहे साहब, हकीकत कुछ और है. मैंने अक्सर उन्हें रातों में आसमान की तरफ तकते हुए देखा है, जैसे जैसे वो किसी से शिकायत कर रहे हैं. मानो जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं. कुछ क्या शिकायत लगा रही है मैं? वही जो आपने अपने पोते से की है मेरे बारे में, कि मैं शादी नहीं करना चाहती. वही जानना चाहते हैं आपके पोते. हाँ तो टीकी तो जानना चाहता है. अब देखना, तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है. शादी नहीं करेगी तो अकेली रह जाएगी ना. और ये कम वक्त अकेलापन क्या होता है, ये मुझसे. अब चल ना, किन बातों को लेकर बैठ गई? चल, भूख लगी, खाना दे. जनाब के मुझे बचपन से फोटोग्राफी का शौक था, बेहद शौक था. लेकिन मुझे नौकरी मिली वेल्डर की. फर फर फर, दिन भर मैं मशीनों से लड़ता रहता और फिर शाम को घर आके मैं अपनी बीवी से लड़ने लगता. फिर एक दिन मुझे थोड़ी सी अकल आ गई. कुछ पुरानी जमीनें थी, खानदानी जमीनें थी, वो मैंने बेच डाली और जितना पैसा मिला वो सारा पैसा मैंने अपनी बीवी को दे दिया. वो खुश. और फिर मैं अपना कैमरा उठाकर पहाड़ों में, जंगलों में घूमने लगा. वाओ, हाउ इंस्पायरिंग इज दैट. कुछ नहीं जरा, कुछ नहीं. मैंने कोई ऊंचा तीर नहीं मारा, मैंने बस अपने दिल की बात सुन ली. मेरा ये मानना है कि जो फैसला दिल से लिया जाता है वही सही फैसला होता है. जनाब, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर हार्ट, सो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. वेल वेल वेल, तो अब मेरे सामने दो ग्रेट फोटोग्राफर्स हैं, मिस्टर एलन ऑल्टर जनाब एंड मिस्टर विक्रम रॉय. तो मिस्टर विक्रम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी ये फोटोग्राफी पर बुक कब छपने वाली है? छपेगी इंशाल्लाह, जरूर छपेगी. जब इस नाचीज की किताब छप सकते तो फिर विक्रम रॉय की क्यों नहीं छपेगी? इंशाल्लाह जरूर छपेगी. विक्रम भाई, शीना जी. विक्रम भाई, आप ठीक हो जनाब? हाँ जी, आप ठीक है शीना जी? सर, यस, माई सेल्फ इमरान दार फ्रॉम जे एन के बैंक. अस्सलाम वालेकुम. बेचूस एलन जनाब, ये बहुत बड़ी हस्ती है. बेचूस इमरान दार बटमालू कश्मीर. इमरान,
गाड़ी ठीक है। अरे गाड़ी परफेक्टली ऑल राइट है। अरे कोई मसला था ही नहीं। लेट्स गो देन। नहीं लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? वो एक ब्रिज नहीं है सर, नीचे वो टूट गया है। तो वो मिलिट्री वाले कर रहे हैं सुबह तक इंशाल्लाह। कल सुबह ठीक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इस बहाने आप लोग मेरे गरीब खाने यानी कि गरीब तंबू में तशरीफ ला सकते हैं और पता चल जाए कि हम खाना बदोशों की शामें किस तरह से गुजरती हैं। कैसे गुजर रही है ये पूछते हैं सब। कैसे गुजारता हूँ कोई पूछता नहीं। आँखों में जो अनकही बातें उन्हीं तुम छुपाना, दिल में है जो वो बोल दो, गुमसुम हो क्यों मुस्कुराना। हंसते गाते हैं हवा करे सरगोशियां सरगोशियां। दादू अरे तू सोए नहीं बेटा? तो आप भी तो नहीं सोए। कल जाना है ना, नींद कैसे आएगी? हाँ तो जाना तो है और विक्रम के लिए आया है ना ये कश्मीर। दादाजी मुझे एक बात बताइए, आपको हमसे कोई शिकायत नहीं है? पापा आप उस तरह छोड़ के चले गए? ऐसा है आर्यन, अपनों की रजामंदी से भी तो बच्चे विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं ना। बरसों बरस अपने मां बाप की खबर नहीं लेते हैं। अरे तो बेटा पेरेंट्स क्या शिकायत कर सकते हैं, हैं? वो जैसे जिब्रान कहते हैं ना कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू एंड नॉट फ्रॉम यू, एंड दो दे आर विद यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। वैसा जिब्रान कहते रफी दादू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह विक्रम का है जहां उसे होना चाहिए। सर लुक व्हाट आई गॉट। आ गया वो। जस्ट चेक दिस आउट। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत खूबसूरत तस्वीर खींची है। कैसे मालूम है? तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से। इस बात पर एक एक कप चाय हो जाए। देखो मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मेरी तस्वीरें देखें, मैंने हमेशा यही चाहा कि लोग मेरी तस्वीरें महसूस करें। नाइस। ये कौन सी जगह? ये खास इलाका है, यहाँ हाई अल्टीट्यूड लेक्स हैं, बहुत कमाल के लेक्स हैं, लेकिन अब मेरी नजर है 20,000 फुट ऊंचाई से आगे वाले लेक्स पर। मैं जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते, लेकिन जाने के लिए खास ट्रेकिंग गाइड की जरूरत होगी। अब मोहतरमा मुझे ये बताओ कि पठान कहाँ रहती हैं? कबूल। तुम भी ऊंची ऊंची तीर मारती हो।
हेलो अब जनाब तुम मुझे बताओ कि पठान कहाँ रहते हैं? अफगानिस्तान। एक और अंग्रेज? अरे जनाब अफगानिस्तान में कश्मीर में कहाँ रहते हैं? से सो जनाब अनंतनाग में रहते हैं और गुटली बाग में रहते हैं। गुटली बाग में कमाल का कैडेट, क्या नाम है? हमजा। हमजा तुम्हें हमजा से जाके मिलना चाहिए। हाँ हमजा। हमजा यार इमरान ले चलो यार हमजा के पास। हाँ हाँ जनाब ले चलूंगा, लेकिन अफगानिस्तान नहीं गुटली बाग। हाईवे नहीं, वो छोटा रास्ता वहां से जो निकलता है। ठीक है शुक्रिया शुक्रिया। जरूर जाओ, जिस काम के लिए आए हो उसको पूरा करो और भगवान तुम सबको कामयाबी दे। थैंक यू दादाजी। अरे अरे खुश रहो बेटा खुश रहो। कुछ दिनों बाद ईद आ रही है, आप सब जरूर आ जाना, देखना हमारा पंडित कैसे ईद मनाता है। जी जरूर आऊंगा। लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है, लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है, सुन कहती है क्या खामोशिया, कुछ हवा अबूजी संभालिए, अबूजी अबूजी। Cannot run away from your heart. So, always listen to your heart. Sorry, Vikram. Could you repeat that again? कल सुबह मेरा लॉयर डिवोर्स पेपर्स लेकर आएगा. साइन कर देना. डिवोर्स? डार्लिंग, तुम्हें डिवोर्स की शर्तें नहीं याद? ये घर तुम्हें मेरे नाम करना पड़ेगा. घर? घर फैमिली से बनता है रागी ने, जो तुमने कभी पढ़ने नहीं दिया। मेरा लॉयर कल डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ घर के पेपर्स भी लेकर आ रहा है। रख लो घर। Really? I never thought this was going to be possible. Thank you so much. Actually, I am thankful to you. किस लिए? तुम नहीं समझोगे। Whatever. Thank you.
क्या खुदा, विक्रम साहब, शीना जी, जनाब आप यहाँ गाना सुन रहे हैं, आपका दोस्त वहां तस्वीरें उतार रहा है और वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा है जनाब। बस जनाब, अब इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। अब तो क्या यार, एक घंटा से इंतजार कर रहा है। हमजा भाई, हमजा भाई, हमजा भाई, हमजा भाई, जनाब ये है हमजा भाई, हम थोड़े लेट हो गए एक्चुअली। अगर एक मिनट भी और लेट होता था ना, हम इधर से चला जाता था। एक्चुअली इमरान की कोई गलती नहीं है, हम तीनों। बस बस बस, ज्यादा सफाई पेश करके वक्त जाया करने का जरूरत नहीं है, हमको भी किधर पहुंचना है। जनाब आइए आइए। अजीब आदमी है। हाँ यार, ऐसा क्या हो गया, जरा सी देरी हो गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मुझे कुछ तस्वीरें खींचनी है यहाँ पे। ओए 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 ओए, फोटोग्राफर, इधर रुक के वक्त जाया नहीं कर सकता है यार, तुमको जो कुछ खींचना है उधर चल के खींचो, चलो। अगर उसको अच्छा लग रहा है शूट करना है तो आपको क्या परेशानी है? बहुत बड़ा परेशानी है ये, मौसम परेशानी है, ये हिमालय है तुम्हारा शहर नहीं है, यहाँ पलक झपकते मौसम बदल जाएगा तो सबका सब इधर ही फंस जाएगा, समझ गया? Just a sec. Are you all right? Oi! वो पेड़ से बैठ गया तुम लोग। ये स्कूल का पिकनिक है क्या? इतना सा बात हमारा समझ में नहीं आता तुम लोग को? हाँ? वो ऐसा बैठता रहेगा तो देर हो जाएगा यार। It's okay, it's all right, Hamza. लेट हो जाएंगे तो हम आपको और पैसा दे देंगे। वो पैसा का बात नहीं करना। अपना पैसा अपना पास रखो। ओए हेलो, बहुत देर से सुन रहा हूँ, लड़की है आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। अरे क्या कर लेगा क्या? अरे दिस इज द लिमिट यार, कब से बर्दाश्त कर रहे हैं इस आदमी को? ओए बर्दाश्त हम तुमको कर रहा है, तुम हमको नहीं कर रहे हैं। हमजा भाई, हमजा भाई। नहीं इमरान, अपना दोस्त लोग को बोलो हमारा साथ चलना है तो चले, नहीं तो हम जा रहे हैं। नहीं हम बात करते हैं हमजा भाई, हमको बर्दाश्त कर रहे हैं, हम चल रहे हैं आपके साथ। हमजा, किस तरह के आदमी से मिलवा दिया आपने? वो यार, अरे गाइस लेट्स गो यार, आई डोंट वांट टू क्लिक एनी पिक्चर्स। देखा यार, नो यू कांट डू दैट, ये तुम्हारा मिशन है। I mean, इसके बातों पे रिएक्ट करके डोंट लूज योर फोकस, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। बट शीना, लुक एट, आई एम फाइन, आई एम फाइन, लेट्स गो। चलो लेट्स कैरी ऑन यार, चलो। बाबा, बाबा। नूरी, बाबा, ए नूरी, बाबा, क्या हुआ? बाबा, ए बाबा क्या? बाबा, क्यों मार गया? बाबा, क्या हुआ? तुम्हारा दवाई का क्या है? बाबा, बाबा, हम अभी ढूंढ कर लेके आते हैं, इधर ही किधर गिरा होगा। जी भाई, फिर तो आता है। तुम्हारा पाउच, तुम्हारा पाउच किधर चला गया? और माया, माया दाऊद, हाँ,
सुनिए, हमारा जूता। आप ये ढूंढ रहे हैं? अरे हेलो हमजा भाई। अरे कमाल अजीब आदमी है, आइए। बाबा का चली, अपने बाबा को माफ कर दो, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा, नहीं बाबा नहीं करेगा। हमारा अच्छा बाबा जान, हमारी वजह से तुमको बहुत परेशानी होता है ना? बेटा नहीं, नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। बेटा तुम ही तो हमारे जीने का मकसद है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाबा जिंदा है। तुमको पता है तुम्हारा एक मुस्कुराहट का ऊपर बाबा का पूरा जान कुर्बान। मुस्कुरा दो। आप कौन हो? मेरा नाम शीना है, आपका? हमारा नाम नूरी है, हम बाबा की जान है। हमारा बच्ची नूरैन, इसी की वजह से हम उधर जल्दी में था और आप लोग के साथ। सॉरी बहन। ओह नो, इट्स ओके। सो नूरी, हम और आप दोस्त? दोस्त। वेल डन। ऑलराइट देन, चलो बाहर चलते, खूब खेलेंगे और खूब बातें करेंगे, ओके? नो ओके, हम कैसे खेलेगा आपके साथ, हम तो चल ही नहीं सकता है। बेटा क्या हुआ है आपको? हमको नहीं मालूम, बाबा जान को मालूम। हमारा बीबी हमल से था, हम उसके लिए डॉक्टर लाने के वास्ते पागलों की तरह भाग रहा था, हमको पकड़ लिया, हमसे हमसे शनाख्त कार्ड मांगा, हम बोला भाया आज हम बहुत जल्दी में, हमारा बीवी का तबीयत खराब है, वो मां बनने वाला है, मर जाएगा बेचारा, हमको उसका पास डॉक्टर ले जाना बहुत जरूरी है, हम कल सुबह आएगा और तुमको शनाख्त कार्ड दे देगा, आज खुदा के वास्ते हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। लेकिन वो लोग को हम पर रहम नहीं आया, रात भर उनको बिठा के रखा, सुबह छोड़ा, सुबह छोड़ा, सुबह छोड़ो, सुबह छोड़ो। जब हम लौट के आया तो हमारा बीबी मर चुका था, गांव का औरतों ने जैसा तैसा हमारे बच्ची को उसका कोख से ऐसा खींच के निकाला और हमारा बीवी चला गया, हमारा फूल सा बच्ची दुनिया में आया लेकिन ऐसा लाइलाज बीमारी लेके आया कि बंद कर दिया उसका इबादत करना, बंद कर दिया, नहीं करता हम उसका सजदा, क्यों करेगा, क्यों करेगा बोलो, अब रोज अपना बच्ची को, अपना पूल सा बच्ची को तिल तिल मरता हुआ देखता है, तिल तिल मरता हुआ देखता है। हम सब आए, प्लीज शांत हो जाइए। हमजा भाई, क्या मैं डॉक्टर की रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? कोई फायदा नहीं बहन, जब दुनिया बनाने वाले ने हमारे बच्चे पर रहम नहीं किया तो बेकार डॉक्टर शॉक्टर का रिपोर्ट देख के क्या होएगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, हम लोग के लिए खाने का बंदोबस्त करके आता है,
बहुत बुरा हुआ हमसा के साथ। I know. We should do something. We want to, but how? रिपोर्ट तक तो दिखा नहीं रहा है वो। जनाब, रिपोर्ट। Yeah. हेलो डैड, वेल एज यू नो दैट माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, मैंने अभी अभी उनसे बात की और वो कहते हैं कि एमएस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट इन नूरी केस चांसेस आर ब्राइट। लेकिन हमें नूरी को इलाज के लिए लंदन ले जाना होगा। हाँ तो ले चलते हैं। बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव विक्रम, ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ अ मिलियन पाउंड्स। अरे तो सोशल मीडिया पे अपील करते हैं। Brilliant idea. One second. चलिए जल्दी फोन निकालिए जल्दी। So Nuri, tell me, आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं? हमारी ख्वाहिश, हम अपने पैरों पर चलना चाहता है और बच्चों की तरह खेलना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है और अपने बाबा जान की शान बनना चाहता है। नासिर भाई, ये हमजा गुज्जर जो है ना, बहुत ही गरीब आदमी है, उसकी बच्ची नूरी, उसको लाइलाज बीमारी है, तो आपका रेडियो तो घर घर पहुंचता है, आप उस पर अनाउंस कर देंगे ना मदद के लिए, तो एक गरीब मजलूम बच्ची की बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओ इमरान, किसके लिए इमदाद मांग रहा है तुम? हमजा भाई, वो नूरी का इलाज के लिए। भीख लेगा हम नूरी का इलाज के वास्ते? लोगों का खैरात से अपनी बच्ची का इलाज कराएगा हम? हमजा, तुम गलत सोच रहे हो, हम सिर्फ तुम्हारी तकलीफ बांट रहे हैं। बात बांटो, तकलीफ बांट रहे हमें ना, हम अपना जिंदगी लगा देगा अपना बच्ची का खिदमत में, लेकिन कभी भीख का वास्ते किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। आज तक हमने कभी उसका सामने हाथ नहीं फैलाया, और तुम लोग ऐसा सोचा भी कैसे? हमजा भाई, क्या आप नहीं चाहते नूरी का इलाज हो? खैरात लेकर हरगिज नहीं। एक बात सुन लो तुम सब, कान खोल के, हमजा गुज्जर खैरात लेकर अपनी बच्ची का इलाज नहीं करवाएगा। तो क्या करेगा? क्या रास्ता क्या है तुम्हारा? अपनी झूठी अनाम है इस फॉल्स ईगो में अपनी ही बच्ची को अपाहिज बना के घर पे रखेगा? तुम्हारी इस खिदमत से नूरी की जिंदगी में तो कोई सुधार नहीं आ रहा ना, कैसे बाप हो तुम यार? मत लड़ो हमारे बाबा जान से, हमारा बाबा जान बहुत अच्छा है। नूरी प्यार करता है, तुमको खुश रखना। हमारे बाबा जान। बेटा तुम बिस्तर छोड़कर इधर कैसे आ गया? बाबा जान हम डर गया था, बाबा जान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो बाबा जान। हमारी ख्वाहिश, हम अपने पैरों पर चलना चाहता है और बच्चों की तरह खेलना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है और अपने बाबा जान की शान बनना चाहता है। सॉरी, let's proceed with the plan. Let's make this video viral. Hmm? Yes.
बहुत हो गया, आप लोग का बिस्तर अंदर लगा दिया, आप लोग आराम कर सकता है। हम सो जाएंगे हमजा भाई, आप नूरी के साथ रहिए, वे फाइन। ठीक। आर्यन, कोई रिस्पॉन्स आया? नॉन एट ऑल। जनाब हौसला रखिए, इंशाल्लाह आ जाएगा रिस्पॉन्स। लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है। लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है। खोई खोई अपनी मंजिल, रास्ता रास्ता ढूंढ रहा है। खोई खोई अपनी मंजिल, रास्ता रास्ता ढूंढ रहा है। Not a single response here. मर गई है इंसानियत। अब हम हमजा भाई को क्या बोलेंगे? हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है बहन, हमको पता था कोई जवाब नहीं आएगा। ओ बशीर जी, नूरी थोए जनाजर। ठीक है भाई, चलो भाया, हम तुम लोग को लेके लेक पे चलता है। आजा, चलो आ जाओ जल्दी। चलिए आपका नाम रेडियो पे आ रहा है। नूरी की हेल्प करना चाहते हैं, मगर प्लीज हमें ये बताइए आप पैसे कहाँ भेजें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप जैसे कॉलर्स जब तक हमें कॉल करते रहेंगे और नूरी की मदद के लिए आगे आते रहेंगे। आई एम श्योर कि नूरी गुजर को कुछ नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ, कब और कैसे नूरी गुजर की हेल्प कर सकते हैं। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, चाको रखी साइयां, मार सके ना कोई। जी हां, हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। जी हां, आप कैसे कर रहे हैं? वेलकम सो विजय मट्टू। हमजा साहब जी, आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी का इलाज लंदन में ही होगा और इंशाल्लाह वह जरूर ठीक हो जाएगी। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, ये जेएन के बैंक का फर्ज है। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो इन लोगों का कीजिए। अब आप लोगों का एहसान कैसे चुकाएगा? बहुत शुक्रिया भाई, और प्लीज बहुत शुक्रिया। प्लीज आप हमारा शुक्रिया अदा मत कीजिए, आप उनका कीजिए जिनसे आप सालों से नाराज हैं। और कश्मीर की रूह तो ज्यादा घूम रही है तेरे। हाँ यार, काफी हेल्प मिल जाती है उससे। नहीं मेरे भाई, आई एम हैप्पी फॉर यू।
अरे तू बता ना क्या हो रहा है तेरा। एक सेकंड रुक यार, फोन आ रहा। अरे गुलाम साहब का फोन है, आई कॉल यू बैक। हां ऑल राइट। आदाब गुलाम साहब। बेटा कहां हो आप? हम लोग श्रीनगर में हैं, लेकिन हम सब कल ईद के लिए आ रहे हैं। अरे नहीं बेटा, आप अभी आ जाओ। अभी दादाजी, इनको इलाज के लिए लेके क्यों नहीं गए बाहर? सबने बहुत कहा इनसे, सबने बहुत कहा। जिद्दी है बहुत, कहते यहीं मरूंगा गांव में, अस्पताल नहीं जाऊंगा। अरे मैं लेके जाऊंगा इनको। दादू मुझे, दादू मैं आ गया हूँ, दादू कुछ नहीं होगा। मुझे देखो पंडित, बोलिए पंडित, तो पंडित चलिए दादाजी। बोल तो पंडित, बोल दादू, दादू जी, दादू जी, लम्हा जाने क्या है, सहमा पूछ रहा है। वाकई आपका कोई नहीं रहा कश्मीर में। कल रात को जाने क्या आपके पिता किशन लाल रैना की डेथ हो गई। सहमा पूछ रहा है, सुन कहती है क्या खामोशिया, कुछ हवा कर सरगोशिया, आज गांव में किसी ने ईद की खुशियां नहीं मनाई। रियली? यो दादाजी वाज अ ग्रेट मैन, ही लिव्ड हिज लाइफ आयरन। नाउ आई विल लिव माय लाइफ। पता विक्रम, सब क्लियर हो गया है आज। मैं किसी नौकरी पर टिक क्यों नहीं पाता था, मेरे डैड से मेरी क्यों नहीं बनती थी, ये कैलेंडर शूट एक बहाना था विक्रम, मेरा बुलावा आया था। मतलब? अब मैं जिंदगी जीऊंगा यार, यहां रहूंगा, दादाजी के सपने पूरे करूंगा। थैंक यू दादाजी, बाय। It is a very happy and a proud day for all of us. The calendar is out and it's been highly appreciated by one and all. Good evening everybody. Aaj main honestly confess karna chahta hu ki Jane ke bank ka assignment lene se pehle main bahut apprehensive tha ki pata nahi yahan Jane ke state mein kaisa mahol hoga. Lekin aaj main tahe dil se Jane ke bank ka shukrguzar hu. इस कैलेंडर शूट के जरिए मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। इट हैज ब्रॉट मेजर चेंजेस इन माय फोटोग्राफी, बट मोर इंपॉर्टेंटली इन माय पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग टुडे। थैंक यू सो मच। बिलाल? मामा, मैं आ गया। इरादे जवां कम नहीं हो यहाँ हमें जिंदगी, आपके लिए बहू लाया है। मंजर बड़ा खुशनुमा